है। उसके बाद देखते हैं हम एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ बायो एथेनॉल। इसमें क्या है, एथेनॉल इज अ रिन्यूएबल सोर्स, मतलब बार बार हम यूज बना सकते हैं, ठीक, क्योंकि स्टार्च है, जब तक धरती है स्टार्च मिलता रहेगा, शुगर कंटेंट मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक। एडवांटेज देख लेते हैं, एथेनॉल बर्न मोर क्लीन, मतलब इसे जो जलाते हैं तो जो क्या कहते हैं सल्फर की मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब वो ना के ही बराबर है, समझी, ठीक है। दिस यूज ऑफ एथेनॉल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, CO2 इमिशन, देखो जैसे मतलब CO2 इमिशन क्या करता है, कम करता है। डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज अमाउंट लीडिंग ऑफ पेट्रोलियम सच एज सॉइल इरोजन एंड डिफोरेस्टेशन, मतलब अगर हमें इसे प्रोड्यूस करना है तो हमें काफी बड़ी मात्रा में शुगर कंटेंट चाहिए होगा, स्टार्च चाहिए होगा काफी बड़ी मात्रा में, ठीक है। टिपिकल करंट इंजन वुड रिक्वायर मॉडिफाइंग, जो भी हमारे आज के इंजन यूज हो रहे हैं वो इस बायोएथेनॉल के लिए सुटेबल नहीं है, हमें उसके लिए अलग से इंजन डिजाइन करना पड़ेगा, और ये क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है, जो चीज महंगी है वो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे सस्ता हमें डीजल और पेट्रोल पड़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल इज अल्टरनेटिव डीजल फ्यूल, मतलब यह बायोडीजल क्या अल्टरनेटिव है एक डीजल या पेट्रोल का, इट मेड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट से हम बायोडीजल को क्या करते हैं, बनाते हैं। सिमिलर टू पेट्रोलियम डीजल यूज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम 10 to 21, मतलब सिमिलर, मतलब इसकी जो चैन है जैसे हाइड्रोकार्बन की चैन होती है, जैसे पेट्रोलियम की चैन है उसमें सी 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 सीरीज में लगे रहते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक, बायोडीजल में भी कुछ चित्र लगे रहते हैं, जो वो सीरीज में कैसे जुड़े रहते हैं, 10 या 21 क्या होते हैं वो कार्बन के आइटम जुड़े रहते हैं, ठीक। द बायोडीजल कैन प्रिपेयर्ड बाय ट्रांस, ठीक है, द बायोडीजल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रांस सर्टिफिकेशन, इसका मेथड ट्रांस सर्टिफिकेशन के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, बनाते हैं। वहां का यूज कर रहे थे बायोएथेनॉल में, फर्मेंटेशन यूज कर रहे थे, अब हम यहाँ देखेंगे ये ट्रांस सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो बायोडीजल, अब इसका कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, बायोडीजल रॉ मटेरियल, बायोडीजल रॉ मटेरियल क्या करेंगे, एनिमल सोर्स यानी कि इसका फैट जो उसमें वसा होती है, प्लांट यूज कर सकते हैं यानी कि सीड ऑयल, ठीक है, बायोडीजल में सीड ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर एनिमल सोर्स यूज कर सकते हैं, और हम वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टू डेवलप द बायोडीजल वी नीड रिएक्शन, हमें क्या करना है, बायोडीजल करना है तो हमें कोई रिएक्शन तो करानी पड़ेगी, रिएक्शन कहने का मतलब है कि उसे अपघटित करना पड़ेगा किसी तरीके से, ठीक। मेथेनॉल, इट हेल्प टू जनरेट द बायोडीजल, आप इसमें कुछ मेथेनॉल यूज करेंगे, मेथेनॉल इट हेल्प टू जनरेट द बायोडीजल, मतलब एक मेथेनॉल ऐसा मटेरियल जो बायोडीजल को बनाने में हमें हमारी सहायता करेगा। कैटलिस्ट मतलब फॉर कन्वर्ट द रिएक्शन, मतलब जो इस रिएक्शन को जल्दी कन्वर्ट करेगा या उसको रिएक्शन को तेजी से बढ़ाएगा या उसे रिएक्शन परिवर्तित करने में हेल्प करेगा, वो क्या है, हमारा कैटलिस्ट है, बेसिकली KOH यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली कौन सा यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH, ठीक। उसके बाद कैटलिस्ट होते क्या, ये भी देखते हैं, कैटलिस्ट इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो कैटलिस्ट वो चीज है जो किसी रिएक्शन को कैसे इंक्रीज कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं उसका बढ़ा देते हैं, और क्या कहते हैं वो, पर उस रिएक्शन में उसका कोई भाग नहीं होता, सिर्फ उसका काम करता है रिएक्शन को तेज कर देना, ठीक। उस रिएक्शन के द्वारा उसमें ये नहीं है कि नया कंपाउंड बन जाएगा, नया कंपाउंड कुछ नहीं बनता, उस रिएक्शन को तेजी से क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। मेथेनॉल क्या होता है, मेथेनॉल आल्सो नोन एज अ मेथाइल अल्कोहल अमंगस्ट अदर नेम इज ए केमिकल विद फॉर्मूला CH3OH होता है, इट इज लाइट वोलाइट कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड विद ए क्या कहते हैं सिमिलर टू दी एथेनॉल, मतलब इसकी जो महक है बिल्कुल एथेनॉल की तरह होती है, ये क्या करता है, बायोडीजल को एक बनने में सहायता प्रदान करता है मेथेनॉल, ठीक। आगे देखें कैसे सहायता प्रदान करता है, अब इसका एक मैं फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ बायोडीजल का रिएक्शन का क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल दो, जैसे माना एक चैम्बर है, वन फर्स्ट चैम्बर, ठीक, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, 1, 2 and 3, तीन चैम्बर हो गए। हम इसमें क्या करेंगे, इसे फर्स्ट चैम्बर कॉल्ड मिक्सिंग चैम्बर एंड सेकंड रिएक्शन चैम्बर, थर्ड इज सेपरेटर चैम्बर या प्योरीफायर कहेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाया, ब्लेड लगा हुआ है मिक्सिंग चैम्बर के अंदर, जो क्या कर रहा है, जो भी हमने मटेरियल मिक्स किया उसे मिक्स कर रहा है रॉ मटेरियल, ठीक। रॉ मटेरियल में क्या होगा, H2SO4 और मेथेनॉल, H2SO4 होगा और मेथेनॉल होगा, इन सबको क्या कर लिया जाएगा, रॉ मटेरियल में मैंने क्या बताया था, वेजिटेबल ऑयल हो सकता है या
एनिमल फैट होते हैं सबको यहाँ पे मिक्स, H2SO4 यहाँ पे जो अपघटित है उन्हें तोड़ने का काम करेगा, थोड़ा जो हार्ड मटेरियल उनको गलाने का काम करेगा। और ये ब्लेड के द्वारा यहाँ पे घुमा घुमा के क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा आराम से। उसके बाद ये आगे चैम्बर में क्या करेगा, पुश कर दिया जाएगा ठीक पाइप पंप द्वारा। इसमें क्या जाएगा, कैटलिस्ट डाला जाएगा। यहाँ पे कैटलिस्ट डालेंगे, अगर देखो मेथनॉल यहाँ नहीं डालोगे तो यहाँ जरूर डालना पड़ेगा आपको सेकंड चैम्बर में, ठीक है, जिससे कि रिएक्शन हो सके। तो रिएक्शन में क्या होगा, कैटलिस्ट क्या काम करेगा, इनकी रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा, यहाँ बढ़ाएगा। तो उसके बाद ही क्या देगा, अपघटित हो जाएगा, पूरा रिएक्शन हो जाएगी। तो उसका रिएक्शन होने के बाद 1, 2, 3 या 4 सप्ताह जो भी लगेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, आगे को पुश कर जाएगा। ये क्या है, सेपरेटर चैम्बर, यानी कि सेपरेटर चैम्बर कहने का मतलब ये है कि बायोडीजल और जो हार्ड मटेरियल बचा है उसको क्या कर देना, अलग अलग कर देना। तो ऊपर क्या करते हैं, नीचे नीचे पानी बैठ जाएगा और उसके ऊपर क्या करेगा, तेल तैरेगा, जो हार्ड मटेरियल वो नीचे रह जाएगा, जो प्योर जो हल्का मटेरियल वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसे क्या कर लिया जाएगा, यहाँ से क्या कहते हैं, सेंसर ने, यहाँ पे दो सेंसर लगे होते हैं, वो नाप लेते हैं कि कितनी लेयर तक फ्यूल है और कितनी लेयर पर हार्ड मटेरियल है, अंदर कंटेंट है। तो उसको जितना भी ऑयल होगा वो सबको क्या कर लिया, प्योरीफाइड करके बायोडीजल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब जो भी हार्ड मटेरियल जो बचा है, ये बचा है, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसे क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा। इसे ग्लिसरॉल क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे इसमें ग्लिसरीन में, ठीक है। ग्लिसरीन क्या होगी, हमारी अदर काम के लिए यूज की जा सकती है किसी भी, और सम मेथनॉल जो बनेगी उसे क्या करेगा, दोबारा रिकवरी करके यहाँ पे दोबारा से यूज कर लिया जाएगा। ये क्या बनेगी, हमारी मेथनॉल दोबारा से यहाँ पे काम में ले ली जाएगी, ठीक है। अब इसके चार्ट और देखते हैं, वो थोड़ा और सही है, ठीक है। ये क्या है, हमारा यहाँ से ट्रांसफर सर्टिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, वेजिटेबल ऑयल एनिमल फैट वेस्ट डाला जा रहा है। उसके बाद यहाँ से क्या कहते हैं, फूड बायोडल, मतलब जो रिफाइंड नहीं है उसके बाद यहाँ रिफाइन करके हमें फूड, मतलब कच्चा कच्चा मतलब तैयार नहीं है पूरे तरीके से, उसे रिफाइन करके फिर हमें क्या मिला, बायोडीजल मिल रहा है। जब यहाँ रिएक्शन हो रही थी तो हमारे को ग्लिसरीन बन रही थी, यानी कि ग्लिसरॉल बन रहा था, ग्लिसरॉल से क्या बनाया जा रहा था, ग्लिसरीन, ठीक। ग्लिसरीन होगी इसे हम क्या लेने की थी, अपने मेडिकल पर्पज में ले लेंगे, ठीक है, यहाँ यूज कर ली जाती है। कुछ हार्ड मटेरियल जो बचता है उसे कहाँ लिए, कंपोस्ट के रूप में यूज कर लिया जाता है। अब इसे रिफाइन करके, इसे क्या कहते हैं, इसे रिफाइन करके, जैसे हम यहाँ कर रहे थे दिवाली में, इसे क्या कहते हैं, कन्वर्ट इनटू ग्लिसरी, जब ग्लिसरॉल को हम कन्वर्ट करते हैं तो ग्लिसरीन और मेथनॉल बनेगा, ठीक है। जब हम ग्लिसरीन को ये देखिए, यहाँ पे जो हार्ड मटेरियल बना, जो ग्लिसरॉल बना, उसे हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लिसरीन एंड सम, जब कन्वर्ट करेंगे तो ग्लिसरीन में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ ग्लिसरीन और मेथनॉल दो चीज बनेगी। ग्लिसरीन अपने दूसरे काम में यूज ले ली जाएगी, मेथनॉल को दोबारा यहीं पे, मेथनॉल को यहीं पे दोबारा यूज में ले लिया जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे बनना है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन बन रहा है, यहाँ से रिफाइन करके हम ग्लिसरीन बना लिया, जो यहाँ से जो मेथनॉल बनेगा उसे कहाँ यूज करेगा, दोबारा कैटलिस्ट या मेथनॉल चैम्बर में यूज में ले लिया जाएगा, ठीक है। बायोडीजल फॉर्म डिफरेंट, अब देखिए कैटलिस्ट के रूप में किस तरीके से कहते हैं, सोयाबीन है कैस्टर, ठीक है। इसमें क्या एथिल यूज करेंगे, टाइम 70 होगा, रिएक्शन टाइम 3 घंटा होगा, कैटलिस्ट क्या होगा, NaOH, ठीक है। वेस्ट फ्लाइंग ऑयल में कुकिंग ऑयल होगा, जैसे मेथाइल होगा एल्कोहल, ठीक है। जैसे हम वहाँ क्या यूज कर रहे हैं, मेथनॉल यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे 1 घंटा टाइम होगा, यहाँ पे क्या होगा, NaOH, ठीक है। सनफ्लावर हो गया इसमें मेथाइल, 25 और रिएक्शन टाइम कितना होगा, 45 मिनट, और कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा, KOH, ठीक है। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बायोडीजल रिएक्शन प्रोसेस, बायोडीजल रिएक्शन मतलब ट्रांस सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो कैसे होता है, देखिए ट्राइग्लिसराइड है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड, देखो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रांस एस्टरीफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप आर डबल डैश, यानी कि ऑर्गेनिक ग्रुप आर डबल डैश ऑफ एन ईस्टर विद इन ऑर्गेनिक ग्रुप आर डैश ऑफ एन एल्कोहल, मतलब आर डैश ग्रुप को आर में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, ट्रांस सर्टिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। दीज रिएक्शन आर ऑफ्टन कैटलाइज्ड बाय द एडिशन ऑफ एसिड, मतलब ये रिएक्शन उसमें एसिड डाल के हमें क्या कहते हैं, और एसिड और कैटलिस्ट को यूज करके की जाती है। दिस रिएक्शन कैन आल्सो अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ये रिएक्शन को एंजाइम की सहायता से, एंजाइम जो कौन सा कहते हैं, लिपासिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है COO, दिख रहा है मतलब COO ग्रुप, यानी कि ईस्टर ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट करने के मेथड को क्या कहते हैं, ट्रांस सर्टिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है।
ये चीज का ध्यान रखिए, सबसे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, यानी कि सी डबल ओ यानी कि ईस्टर ग्रुप को ओएच ग्रुप में कन्वर्ट करने को ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, आर वन सी डबल ओ यानी कि ईस्टर ग्रुप को ट्राइग्लिसराइड प्लस मेथनॉल मिलाएंगे, कैटलिस्ट की रिएक्शन को क्या करेंगे थोड़ा बढ़ाएंगे, एक कन्वर्टेड इनटू मेथाइल ईस्टर यानी कि अल्कोहल ग्रुप ठीक है, और ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप कैसे OH, ठीक है अल्कोहल बनेगा ठीक है, विद R1 R2 एंड हाइड्रोकार्बन चेन फ्रॉम 15 टू 20 कार्बन एटम्स। अब जो यहाँ पे ठीक है, इससे हमें क्या बदलता है, सी डबल ओ ग्रुप यानी कि ईस्टर ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करना ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है, ये चीज का हमें ठीक है, इसलिए हम ये रिएक्शन है वाली लाइन की और ये एक लाइन ये वाली, ईस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोडीजल, एप्लीकेशन